जो हल्का हल्का सुरूर है। तो पिछली बार मैं आपके लिए लेके आया था बजट वाला गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड, और इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ बजट वाले गेमिंग हेडफोन्स जो कि आते हैं कॉस्मिक बैट की तरफ से। अब आप पूछ रहे होंगे टाइटेनिया का मतलब क्या। टाइटेनिया यूरेनस के 27 मून्स में से एक मून का नाम है। तो इस सेल में आपने लैपटॉप वैपटॉप तो बाय जरूर किया होगा, और लैपटॉप पर काफी तगड़े डील थे, और आप हेडफोन्स ढूंढ रहे होंगे तो आप सही वीडियो पर आए हो। जब ये हेडफोन्स लॉन्च हुए थे तो इनका प्राइस 800 रुपीस था, और अब ये अमेजोन पर कुछ 499-500 के बिक रहे हैं। तो अंदर झांक लेते हैं डब्बे के, और इस बॉक्स के अंदर हमें मिलते हैं हमारे विधवा हेडफोन्स और ये दो पेज की यूजर मैनुअल। कॉस्मिक बाइट की मुझे एक बात अच्छी लगी कि वो ज्यादा पेपर वर्क नहीं देते। तो अगर बात करते हैं इनके बिल्ड क्वालिटी में, तो फर्स्ट लुक में काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। प्लास्टिक की क्वालिटी भी काफी अच्छी है 499 के हिसाब से अगर हम जज करते हैं, और इसके कुशंस की भी बात करते हैं तो कुशंस भी काफी सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं। और इसके ऊपर एक आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिलता है जो कि काफी सॉफ्ट है, और ऊपर का जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं ये पूरा आपको मेटल का देखने मिलता है, अच्छी क्वालिटी के साथ आता है, और इसे बाहर से सिर्फ प्लास्टिक का कवर किया गया है। और इसका माइक जो है वो डिटेचेबल नहीं मिलता, और फुल्ली फ्लेक्सिबल माइक आपको देखने के लिए मिलता है। और एक आपको रेड कलर का वॉल्यूम नॉब मिलता है जिससे आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, और ये हेडफोन्स आपको 3.5 mm जैक के साथ देखने के लिए मिलते हैं, और ये USB पोर्ट जो है वो यूज होता है इसके RGB के लिए। और अगर इस हेडफोन के RGB की बात करते हैं तो एक ही आपको स्टैटिक इफेक्ट मिलता है, रेड ग्रीन ब्लू वाला, और वो काफी प्यारा और अच्छा देखने के लिए मिलता है आपको। मतलब ऐसा कुछ तड़कता बड़कता नहीं मिलता, सिंपल और मिनिमल देखने के लिए मिलता है। तो अब बात करते हैं इसके सबसे खास फीचर की, जो कि है इसकी केबल। काफी अलग और ब्रेडेड केबल देखने के लिए मिलती है, और काफी मतलब बहुत ही तगड़ा मालचल है ये। और अगर इस केबल के लेंथ की बात करते हैं तो 2.1 meter की केबल आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि काफी लंबी है। आप लंबे से इस पर बैठकर कंसोल पर भी गेमिंग कर सकते हो काफी अच्छी तरीके से। और सबसे तगड़ी बात, ये 3.5 mm जैक के साथ आता है, तो ये फोन प्लेस्टेशन एक्सबॉक्स कंसोल कहीं पर भी कंपेटेबली बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। तो जब ये लॉन्च हुए थे तो इनके प्राइस कुछ 800 rupees थी, और अगर हम इसे 800 rupees के हिसाब से जज करते हैं तो इनकी साउंड क्वालिटी काफी बैलेंस्ड देखने के लिए मिलती है। पर अब ये आपको अमेजोन पर सिर्फ 500 rupees में देखने के लिए मिलते हैं, और 500 rupees के हिसाब इस हेडफोन की क्वालिटी काफी अच्छी है। तो इसमें मैंने मूवीज देखी, गेम खेला, गाने सुने, और उसके हिसाब से मैं इसके आपको साउंड क्वालिटी बताता हूँ। ट्रेबल्स इसके काफी अच्छे हैं, लाउडनेस भी ठीक ठाक ही है, पर अगर बेस की बात करते हैं तो बेस आपको ज्यादा नहीं मिलता, हल्का हल्का सा बेस आपको देखने के लिए मिलता है इसमें। और अगर इसे 499 के हिसाब से जज करते हैं तो इसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है। और अब आप ये जो आवाज सुन रहे हो वो इस हेडफोन के माइक से सुन रहे हो, तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताने। और ये हेडफोन आप प्योरली गेमिंग के लिए ही यूज करो, क्योंकि इसका ट्रेबल काफी अच्छा है, और गेमिंग में ट्रेबल्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। और इससे मूवीज भी आप देख सकते हो, पर गाने तो मत ही सुनो, गाने सुनने में आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। इस हेडफोन पर मैंने काफी गेम खेले, और इसका ऑडियो सेपरेशन काफी अच्छा है, राइट्स और लेफ्ट इसके काफी प्रिसाइजली और अच्छी तरीके से आपको सुनने मिलते हैं। और अगर इसके कंक्लूजन की बात करते हैं तो ये हेडफोन आपको सिर्फ 500 rupees का देखने के लिए मिलता है, और 500 के हिसाब से ये काफी अच्छे हेडफोन्स देखने के लिए मिलते हैं आपको। और अभी यार 500 में मिलता ही क्या है, तो ये बहुत ही अच्छा आपको पैकेज मिलता है। और ये हेडफोन उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपने डेस्क पर काफी मिनिमल और अच्छा सा गेमिंग हेडफोन परचेस करना चाहते हैं, वो भी अपने बजट में रह के, और बजट में इसकी साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी है, और आपके सेटअप पर ये काफी मिनिमल और अच्छा सा लुक प्रोवाइड करेगा। तो ये इसके प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेकआउट करो। और अगर आपको वर्टिकल माउस या फिर अर्गोनॉमिकल माउस के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखना।